ताकि ये कटिंग जो है संपन्न हो जाए। थोड़ा सा रिपेयर करेंगे तो ये हो गया ना। Hey guys, welcome back my YouTube channel देहाती राइडर ब्लॉग्स में आप सभी भाइयों का स्वागत है। हो चुकी है गाइस नए दिन की शुरुआत। आज है संडे, टाइम जो है 10:01, बरसात हल्की हल्की हो रही है, तो आप सबको प्यारी से गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम बाल कटवाने, फिलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं, रास्ते से पकड़ के जाना है। चलिए पहले चलते हैं बाल कटवाने। से देख रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी है केंट आरो की, जिसमें केंट पानी की आरो वाली ना बनती तो उसकी कंपनी है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं बाल कटवाते हैं। लीजिए कितना कैसा लग रहा है? बढ़िया, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत दिन से मतलब बाल हम इसीलिए बढ़ा रहे थे ताकि ये कटिंग जो है संपन्न हो जाए। 4-5 बारी उसने लौटा दिया था, लेकिन अब देखिए काफी दिनों के बाद करवाई है, लेकिन पसंदीदा थी। और फिलहाल में सौरभ भाई के कमरे पे आए हैं और देखते हैं, सौरभ भाई बना रहे हैं अभी खाना, तो खा के जाएंगे। बरसात झिमझिम की हो रही है जैसे कि आपने देखा ही, तो करते हैं। क्या हाल है वासुदेव महाराज, को मारना मत। तो गाइस देखिए, जिस हम गली में रहते हैं ना और जहाँ हमारा कमरा है, एक बार घर से निकल जाने के बाद ऐसी कुछ हालत हो जाती है। इतना कठिन, इतना डिफिकल्ट है कि थोड़ा सा भी पैर अगर इंगे तिंगे हो गया ना, समझ लो तुम गए। पता ही गाइस ये भी जीवन देख लीजिए कितना कठिन, और हमसे भी ज्यादा लोग परेशानी में जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं अपने स्वीट होम, जैसे तैसे इस टारगेट को पूरा करके दुकान से ले लेते हैं भैया शेविंग बनाने वाली ब्लेड। ये दुकान उधर भी जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो गाइस अभी जो है दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम मस्त फर्स्ट क्लास फिट हो गया मामला, और बरसात का मौसम है, लेकिन मिस्त्री जो है मिस्त्री चला गया ड्यूटी अपना, तो मिस्त्री रहता तो बॉडी भी खाने पीने की चाय भी मिलती, सारी व्यवस्था एकदम लेकिन फिट होते, लेकिन मिस्त्री क्या करोगे ज्यादा ही है, तो इसीलिए बेचारा वो ड्यूटी चला गया। मैं मिलवाऊंगा बहुत जल्द मिलवाऊंगा मिस्त्री से, तो मैं भी एकदम जैसे फंसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिलहाल में चल रहे हैं, सौरभ भाई ने सौरभ भाई का फोन आया कि खाना बन गया भाई आ जाओ, जब गया था तो बना नहीं, तो चलते हैं देखते हैं क्या बनाया उन्होंने। एंड गाइस अपने घर में भी चावल बने रखे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ खाने को नहीं है ना, तो लेट्स गो निकलते हैं इधर से फटाफट और चलते हैं सौरभ भाई के घर, और वहाँ से चलेंगे। वहाँ से हमारा बहुत ही बढ़िया प्लान है कि बिल्कुल मत करना, देखते रहना इसके बाद होता है। चलिए पहले भाई यहाँ पे देखिए, देख के तो एकदम मुँह से पानी आ रहा है। और ये जो सब्जी है, सब्जी की जो क्रेडिट है, क्रेडिट हमारे सौरभ भाई को जा रही है। और इधर में देखिए, इधर में पूरी है, तो पूरी की क्रेडिट जो है रिंकू भाई को जा रही है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी पूड़ियाँ बनाई है भाई, मुंह में तो पानी आ रहा है। आपको भी खाना है, आप भी आ जाओ, सभी आओ, सभी खाओ, सभी मौज लो। तो फिलहाल में गाइस इसे करते हैं फटाफट फिनिश, और उसके बाद जो है मिलेंगे लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हमें जाना है स्किप बिल्कुल नहीं करना है, देखते रहिए बस होता है क्या। भाई लोग अभी जो है पार्क में हम लिव कर रहे हैं, और देखिए यहाँ का नजारा, बारिश होने के बाद कितना प्यारा प्यारा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। फिलहाल में ले रहे हैं मौज, इधर हैं भैया बैठे, जो आए हैं 2-3 साथ, कह रहे थे भैया हमें ना शर्माते हैं ना, इसीलिए हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हमारा तो भाई मन है, इच्छा है अपनी, दिल को जब तक एक वीडियो ना बन जाए घंटे में, तब तक कहाँ दिल को तसल्ली मिलती। तो भाई अभी बनाते हैं सिनेमेट शॉट और आप भी इंजॉय। पहले ही पार्क से आ गए, क्योंकि रात में ना वहाँ पानी वानी भी लग रहा है पूरा पार्क में, कहीं कहीं जहाँ थोड़ा थोड़ा गड्ढा है, तो भाई भीग जाते सन जाते। तो हमने बना लिया है गाइस खाना, जैसे कि ये इसमें भाई लोग दाल और इसमें है चावल, तो दाल चावल चलेगी। करते हैं गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, खाते पीते मस्त, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आप भी बताना कि क्या आपके भी जीवन में ऐसे ही रोज दिन के प्रति दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, बताना कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।